नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि मैं इन पौधों को अपनी धुनी लगा रहा हूं, अपनी धुनी का जो धुआं है इन पौधों को दिखा रहा हूं। और ऐसा मैं क्यों करता हूं ये मैं आपको आज बताऊंगा, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी पौधे होते हैं इनमें कहीं ना कहीं रात के समय में अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं जो आके बैठ जाती हैं, और यही एक उनका स्थान हम कह सकते हैं। पर क्योंकि यह हमारा घर है और हमारे घर में कोई भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आके ना बैठे, चाहे पौधों में चाहे किसी भी रूप में, इसलिए इन पौधों को धुनी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये जो पौधे होते हैं बिल्कुल पवित्र रहते हैं और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा दूषित नहीं होते। इसी तरीके से ये और कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से भी पौधे ख़रीदते हैं कोई भी तरीके के, चाहे गमले में, खासकर जब आप मिट्टी भरवा के लेते हैं किसी से या गमले में लगे लगाए पौधे ख़रीदते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उनको इस तरीके से मेरी धुनी दिखा के पवित्र कर लें। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि अगरबत्ती जला दी या कोई धूप बत्ती जला दी तो पौधे पवित्र हो गए। अगरबत्ती या धूप बत्ती में खुशबू होती है, वो पवित्र करने का काम नहीं करती, अट्रैक्शन करने का काम करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि अगर आप गलती से भी दूषित पौधों को घर में ले आए, ऐसे पौधों को घर में ले आए जिसकी मिट्टी दूषित है, क्योंकि जो भी है माली, क्या पता उसने कहाँ से मिट्टी उठाई है, क्या पता उसने मिट्टी ऐसे स्थान पे से उठाई हो जहाँ पे कोई डेड बॉडी थी या कोई कब्रिस्तान था या फिर जहाँ पे कुछ टोटकों द्वारा दबा रखा था। तो अगर इस तरीके से कोई वो नेगेटिव एलिमेंट की कोई मिट्टी उठा लाता है, दूषित मिट्टी उठा लाता है और आपके गमले में भर के पौधा लगा देता है, तो वो नेगेटिविटी आपके घर में बाकायदा बस जाएगी। या फिर कोई ऐसी भूमि है जहाँ ऐसा मकान है, ऐसा बगीचा है, अक्सर माली कहीं से भी मिट्टी उठा लेते हैं, तो हमें नहीं पता कहाँ पे वास्तु दोष है या कहाँ पे क्या नकारात्मकता है किस मिट्टी में। तो उस सब को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप मेरी धुनी से पौधों को ज़रूर एक बारी धुआं दिखाइए, ताकि वो पूरी तरह पवित्र हो जाएंगे, सारा उनका दोष निकल जाएगा और हर तरीके से पौधों के अंदर सकारात्मकता भर जाएगी। खासकर जब आप नए पौधे बाज़ार से ख़रीदें तब भी, गमले समेत ख़रीदें तब भी, और आपके घर में वैसे पौधे हैं तो भी, रेगुलर बेसिस पे उनको धुनी से हमेशा पवित्र करते रहिए सुबह और शाम। एक टाइम भी आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत आकस्मिक फ़ायदे मिलेंगे और यही पौधे आपको वास्तु के रूप में, ग्रहों के रूप में हर तरीके से फ़ायदा देना शुरू कर देंगे, तो इनका नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। साथ में रात के टाइम आप इनके पास भी जाते हैं तो आपको फिर कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें पवित्र कर रखा है। ये मैं इस टाइम रात के समय ही धुनी जला रहा हूँ ताकि इन पे कोई भी नेगेटिविटी निकल जाए। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा उपाय आपको बहुत फ़ायदा देगा और यही पौधे आपके लिए एक औषधि रूप में काम करेंगे। तो ज़रूर ऑर्डर कीजिए मेरी नॉर्मल वाली रेगुलर धुनी और उससे अपने घर के बगीचे में, फार्म हाउस में, बाग में, बागबानी में ज़रूर एक बारी धुनी घुमाइए। ज़रूरी नहीं है मैं धुनी घर में ही घुमानी है, घर के बाहर भी अगर हम घुमाते हैं, चौक में भी घुमाते हैं, तो भी बहुत पॉजिटिव माहौल हमें मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। अगर आपको धुनी चाहिए तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे संपर्क करें। कोई आपकी परेशानी है तो ईमेल कर सकते हैं पुलकित सिंगला 901@gmail.com पे।